हेलो एंड वेलकम टू द ईएसपी चैनल। माय नेम इज़ मुकेश यादव। हमने लास्ट 11 और 12 लेक्चर्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लगभग 1/4 और 1/2 पार्ट को कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं स्प्रेयर एंड देयर फंक्शन। स्प्रेयर कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एज़ पर द हमने जो एक लास्ट टाइम को रखा हुआ है कि हम आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उस बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आईबीपीएस में या प्री पीजी में या ये कह सकते हैं कि नाबार्ड एग्ज़ाम्स या अदर को एओडब्ल्यू के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर पार्ट में जो हमने अब तक डिस्कस किया है। राम राम हनुमान कह रहा है। राम 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 हनुमान राम राम। चलिए तो हम डिस्कस करें। चलिए ठीक है ठीक है, बात करते हैं स्प्रेयर और देयर फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करें स्प्रेयर के टाइप्स की, उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। क्यों वॉल्यूम, कौन से वाला वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितने क्वांटिटी में अगर ये कह सकते हैं कि कितने लीटर का यूज़ किया जाएगा, और स्प्रेयर की जो साइज़ होगी उसके बेसिस पे कौन कौन से स्प्रेयर होते हैं ड्रॉप बेसिस पे। तो यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ स्प्रेयर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया भी है और पूछा भी जाता है। तो ये गौर से देखिए, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी बताइए। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। हमारे लिए भी कुछ है क्या, आपके लिए क्या चाहिए? ग्री प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है, सीकर से हूँ, हमारे लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है, लेकिन चाहिए क्या ये तो बताइए। चलिए बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग, बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स की। यहाँ फर्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसको डिस्कस करना वेरी ये कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम बात करें लिक्विड बेसिस के, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट, यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन किस में आया था, प्री पीजी में भी आया हुआ है, और ये कह सकते हैं लास्ट प्री पीजी में है या 19 या 20 के प्री पीजी में है, और आईबीपीएस में भी पूछा हुआ है। ठीक है चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें हाई वॉल्यूम स्प्रेयर कौन, सेकेंड अगर हम बात करते हैं लो वॉल्यूम स्प्रेयर, और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। यहाँ 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है स्प्रेयर को। आप लोग भी जानते हैं स्प्रेयर का इमोशनली यूज़ क्या होता है। स्प्रेयर का अगर यूज़ की बात करें, इससे कौन कौन से ये कह सकते हैं केमिकल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं या किल करते हैं किसको, इंसेक्ट को या डिजीज़ को, या ये कह सकते हैं वो वाले केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं जिससे वीडिंग भी या वीड भी ख़त्म किया जाता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं केमिकल को स्प्रे करने के लिए। अब इसमें दोनों टाइप के होते हैं, स्प्रेयर हो गया या डस्टर हो गया, जो डस्ट को हम क्या करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। BHU के लिए चाहिए, BHU के लिए देखिए BHU आप 12th आफ्टर 12th बात कर रहे हैं तो सिलेबस एक बार सिलेबस देख लीजिए BHU के लिए। यहाँ पे 12th लेवल या ये कह सकते हैं कॉलेज एंट्रेंस के लिए, BSc कॉलेज एंट्रेंस के लेवल की बात करें उससे अपर लेवल हो रहा है, वो वाला लेवल नहीं है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, जेट और जेट की बात करें, ICR की बात करें, वो वाला लेवल वहाँ पे आएगा। हम बात कर रहे हैं BSc एग्रीकल्चर के अंडर में भी वो होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूछा जाता है या सब्जेक्ट होता है, तो उस एग्ज़ाम उसकी बात करें या उसके बाद लगने वाली ग्रेजुएशन बेसिस पे जो भी एग्ज़ाम्स लगते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया शेखावटी? चलिए बात कर लेते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट की, अगर बात करें हाई वॉल्यूम स्प्रेयर मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर, इसका मतलब ये होता है कि वो वाले स्प्रेयर जिससे कुछ स्प्रे एक हेक्टेयर में क्या कर लेते हैं 100 लीटर या 150 लीटर 200 लीटर में काम चल जाता है। एक स्प्रेयर ऐसा होता है कि वहाँ पे 1000 लीटर में भी काम नहीं चलता, या ये कह सकते हैं 1000 लीटर में काम चल जाता है। तो उसके पीछे क्या स्ट्रक्चर होता है या उसके पीछे क्या रीज़न होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम अगर उसकी बात करें तो देखिए जितना हम जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर की ड्रॉप गिरती है, डस्ट की जो डस्ट गिरती है उसकी क्वांटिटी कम कैसे होती है,
इसका पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली पाइप छोड़ दिया वहाँ पे ओपन करके, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल रिक्वायरमेंट होगी या सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे अगर हम उसको बारीक ड्रॉप बना देते हैं या स्प्रे के रूप में उसको यूज़ करते हैं, बहुत बारीक वॉल्यूम में जो स्प्रे होता है ना, उसकी भी ड्रॉप्स की बहुत बारीक वॉल्यूम होती है, साइज होती है, उसमें अगर हम स्प्रे करते हैं तो कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन या केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक हेक्टेयर में 400 से ज़्यादा लीटर की क्वांटिटी की है उसमें सॉल्यूशन, यहाँ केमिकल की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी केमिकल की बात नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की जा रही है। आपने 1 लीटर केमिकल रखा, वॉट एवर कुछ भी, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, या ये कह सकते हैं कि किसी डिजीज़ के लिए हो, या ये कह सकते हैं वीडिसाइड के लिए यूज़ करें, 1 लीटर या 2 लीटर, इससे ज़्यादा तो कोई क्वांटिटी होती नहीं है पर हेक्टेयर। तो अब हम बात करते हैं उसका सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्यूशन किस में, वाटर में किया जाता है, कितने लीटर वाटर में यूज़ करेंगे, और हेक्टेयर बेसिस पे और वाटर की क्वांटिटी के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को कम ज़्यादा करते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा इजीली। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये एक एवरेज अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो कितना सॉल्यूशन की, लालचंद यादव विराट नगर से बोल रहा है, हाय हाय लालचंद, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो देखिए एक चीज़ क्लियर है, अगर हम एवरेज बात करते हैं कि 1 लीटर या 1.5 लीटर या 2 लीटर जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो वो कितने लीटर वाटर में मिक्स कर सकते हैं, ये उसके पीछे, 1 हेक्टेयर मान लीजिए 1.5 लीटर आपने केमिकल लिया, खरीदा है, परचेज किया, वॉट एवर जो भी है, केमिकल लिया। अब ये किसके लिए है, ये रिकमेंड किया गया कि ये 1 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट है, इनफ है। तो चलिए बात करते हैं, अगर ये 1 लीटर के लिए है तो ऑब्वियसली इसको कितने लीटर वाटर में मिलाएं, ये एक एवरेज होता है, कितने लीटर वाटर में मिक्स करना चाहिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है कि 1 लीटर को, ये पूछा क्वेश्चन का फ्रेम क्या था मैं बता देता हूँ, 1 हेक्टेयर के लिए जो स्प्रे करना है वहाँ कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पूजा गुड इवनिंग, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए, अगर हम बात करें तो 500 to 700, ये एक एवरेज अगर रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वीडिसाइड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ये घट जाती है, आजकल कम रिक्वायरमेंट होती है पहले क्योंकि वॉल्यूम बेसिस पे। तो ये सॉल्यूशन अगर 1.5 लीटर है वो 500 लीटर वाटर में मिक्स कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा किया हमने 1000 लीटर में किया तो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो एफिशिएंसी या वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसमें वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब सॉल्यूशन कम हो गया। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, इसमें कितना परसेंट होना चाहिए, 2 या 3% तो एवरेज सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तभी हम इंसेक्ट को या डिजीज़ को किल कर सकते हैं, हम एवरेज की बात करें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर, ये इसको क्या कहा जाता है, हाई वॉल्यूम, ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS 18 और ये कह सकते हैं शायद PPG में 20 का है या 19 का, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये PPG एग्जाम का 20 का या 19 का ये क्वेश्चन है, IBPS में 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं था वहाँ, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर दे रखा था और कितना इसमें क्वान्टिटी आंसरिंग में था, तो मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अब देखिए यहाँ इससे तो इससे लो वाला हो जाएगा, लो वॉल्यूम 5 लीटर से 400 लीटर पर हेक्टेयर, मतलब वाटर कितना ले रहे, ये कैपेसिटी फिर मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कैपेसिटी कितनी है, वाटर ये कह सकते हैं सॉल्यूशन की, ये कैपेसिटी सॉल्यूशन की है, केमिकल की बात नहीं कर रही कि हमें कितना केमिकल चाहिए, सॉल्यूशन को इंक्रीज किया जाए तो किस क्वांटिटी में बता रहे हैं, सॉल्यूशन को इंक्रीज किया जाए तो किस क्वांटिटी, किस बिहाफ पे आप बताना चाह रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन को अगर 400 से मान लीजिए आप 800 ले जाना चाहते हो, इसकी जो भी हम केमिकल यूज करते हैं उसकी एक क्वांटिटी होती है, उसकी एक क्राइटेरिया होता है कि मान लीजिए 1.5 लीटर कोई भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो आप 1 हेक्टेयर में अगर यूज़ करना चाहोगे ये सफिशियंट है 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन इसको किस में मिलाओगे, सिर्फ आप 500 लीटर वाटर में ही मिलाना है, इससे ज़्यादा में मिलाओगे तो इसकी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को इफेक्टिव के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर अगर आपने इसको क्या कर दिया, बढ़ाने की बात अगर यही कर रहे हो, क्या कर दिया आपने 1000 लीटर में डाल दिया, तो यहाँ पे
जो पहले पॉसिबिलिटी थी 100% वो क्या हो गई, अब किसी के डेथ होने की या इंसेक्टिव वगैरह वीडियो की साइड की क्या हो गई, 50% पॉसिबिलिटी हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 500 हैं उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो इसको भी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास कम पड़ गया फील्ड में आप डाल रहे हैं, और कितना डाला आपने, वन आपके पास में ये कह सकते हैं कि 0.8 हेक्टेयर, 0.1 हेक्टेयर का मतलब थोड़ा सा और कम पड़ गया है इसमें। 0.2 हेक्टेयर में हमने किया ही नहीं, अभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास 500 सॉल्यूशन था, 1.2 लीटर क्या था केमिकल था, और वाटर क्या था 500, इसको दोनों को मिला दिया तो एवरेज 500 ही हुआ। ये कह सकते हैं 501.5 लीटर ये हो गया। तो अब क्या हुआ, इतने में आपके पास में नहीं है हुआ, तो आपको सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, केमिकल पड़ेगा सॉल्यूशन भी। तो कहने का मतलब ये कि आप एक एवरेज क्वांटिटी होती है इसमें मिला सकते हैं 500 में, इससे ज़्यादा आपको आपने वाटर लिया तो फिर आपको केमिकल भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका भी क्राइटेरिया रहता है, वो भी हम कैलकुलेशन में सीखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल केमिकल भी दिया जाता है, परसेंटेज दे दिया जाता है, इसमें इतने परसेंट क्वांटिटी है, ये इफेक्टिवनेस है, उसके बाद में पूछ लिया जाता है कि ये कितना लीटर एक हेक्टेयर के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो परसेंटेज बेसिस पे वेरी करता है। तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। चलिए बात कर लेते हैं हम इसमें लो वॉल्यूम में 2 टाइप्स के होते हैं, क्या करते हैं, एक तो एरियल डोज हम देते हैं हवा में जिसको स्प्रे करते हैं, एक होते हैं ग्राउंड लेवल पे हम डालते हैं। तो उसके बेसिस पे कौन कौन से को डिफाइन किया गया, यहाँ पे क्लियर डिफाइन कर रखा है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एरियल डोज की, तो 15 से या ये कह सकते 15 to 75 लीटर पर हेक्टेयर, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। हमें पता है फ्रूट क्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स हाइट पे होते हैं, तो उसमें वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, ये कह सकते हैं एरियल डोज ही दी जाती है। गॉट इट, ये बात कर लेते हैं फ्रूट क्रॉप्स के लिए। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर के, ग्राउंड डोज के लिए, तो 100 to 120 लीटर पर हेक्टेयर, और फील्ड क्रॉप के लिए। अब इस चीज़ में 100 to 120 लीटर है तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे क्या, कि यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रूट की बात करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंस होता है, होता या नहीं होता, वहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, कम या ज़्यादा डिस्टेंस होगा। या अब बात कर लेते हैं अगर डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी लीटर में, क्योंकि एक प्लांट पे डालेंगे फिर जो खाली स्पेस बचा हुआ है दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस, उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है इसलिए कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या कम सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं वहीं फील्ड क्रॉप कंप्लीट पार्ट में है तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट या ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। या ग्राउंड आपसे पूछा जाए, ग्राउंड लेवल पे लो वॉल्यूम की बात की जाए ग्राउंड लेवल पे, या फील्ड क्रॉप आपके पास में टर्म आता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, दे सकते हो ना। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम क्या होता है, उससे भी कम क्वांटिटी में इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और मोस्टली इस टाइम अगर बात करें अल्ट्रा लो वॉल्यूम या वॉल्यूम वाले सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मैक्सिमम आपसे यूजेज पूछे तो लो वॉल्यूम और अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर को ही यूज़ किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसे लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर अराउंड अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5 to 10 लीटर ये अराउंड हो जाता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी में अच्छा खासा गैप है, यहाँ देख रहे हो 5 to 400। तो इसको अगर हम बात करते हैं आप बुक्स में मिलेगा 5 to 10 लीटर पर हेक्टेयर अराउंड ये यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं आता, यही है 5 to 10 हेक्टेयर में क्वेश्चन, और हम स्प्रे भी करते हैं तो यही वॉल्यूम में स्प्रे करते हैं, 5 to 7, 7.5 to 8 लीटर सॉल्यूशन होता है, जो एक हेक्टेयर के लिए इनफ है। किस कैटेगरी में, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर की कैटेगरी में। चलिए हम बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा जो हम स्लाइड कंप्लीट करते हैं या डिस्कस करते हैं उसके बाद में थोड़ा साइड में हट जाऊंगा, आप तुरंत क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ अल्ट्रा लो वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अभी यूज़ किया जाता है। वाटर, एक तो वाटर स्कैसिटी सबसे ज़्यादा है, वाटर की कमी होने की वजह से, और एरिया क्या ज़्यादा कवर करना है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कौन सा है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, मोस्ट यूज़ किया जाता है, अगर बात करें मोस्टली यूज स्प्रेयर होता है, कौन मोस्टली यूज स्प्रेयर होता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉर्मुलेशन आर अप्लाइड एट ओनली कितना एवरेज, मैंने बोला ये किस लेवल पे अप्लाई किया जाता है, कितना अप्लाई हो जाता है इसमें, 2.5 to 7.5 लीटर पर हेक्टेयर अराउंड या एवरेज ये कह सकते हैं सॉल्यूशन इसमें से यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, वन क्रॉप कैन बी ट्रीटेड इन अराउंड
अगर हम कौन सा वाला स्प्रे ले रहे हैं, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिए, या कंफ्यूज नहीं होना है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो एक हेक्टेयर को कवर करने में, कहाँ पे क्रॉप की बात की जा रही है, वन क्रॉप को अगर कवर करना है तो एक हेक्टेयर में 2.5 घंटे में हम एक हेक्टेयर को कवर कर सकते हैं। ये एवरेज डेटा है। इस बेसिस पे आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन किसी आपको यहाँ 5 हेक्टेयर दे दिया तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, वो एक पॉइंट को रख के डिस्कस की है। वहाँ एवरेज पूछा जाता है, आपको जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया था वहाँ दिखा है। आज भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, जो मैंने क्या किया, IBPS ने किया है, मैंने तो यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें कैसे फ्रेम हुए, आप लोगों को एवरेज डेटा रखना है, उसके बेसिस पे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। चाहे कितने भी हेक्टेयर चेंज कर दे तो हम चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर दे चेंज कर सकते, परसेंटेज चेंज कर दे चेंज कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं फिर। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर इज यूज टू स्प्रे केमिकल मोस्टली ऑन रो क्रॉप। देखिए रो क्रॉप, कॉटन, कॉटन भी रो क्रॉप होता है। रो क्रॉप में कौन कौन सा होता है, ग्राउंडनट हो गया, इसके अलावा जो भी रो वाली क्रॉप्स होती हैं वो आप लोगों को भी अच्छे से पता है। रो में जो हम क्या करते हैं, रो टू रो प्लांटिंग करवाते हैं या क्रॉपिंग करवाते हैं, उस वाले पार्ट्स में, उस वाले फील्ड के लिए कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम। और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अल्ट्रा लो वॉल्यूम। अब एक चीज़ तो समझ गए होंगे, यहाँ अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, इसका मतलब इससे जो स्प्रे निकलता है ना, उसकी बहुत बारीक बारीक ड्रॉप्स निकलती हैं, तो कम क्वांटिटी सॉल्यूशन में भी ये एक हेक्टेयर में कवर हो सकता है। वहीं पर अगर हम उसकी ड्रॉप जैसे चलता है, स्प्रिंकलर जो होता है, इरीगेशन सिस्टम आता है, स्प्रिंकलर जो आता है फंवारे वाला, उतना अगर क्वांटिटी में हम डालने लग जाएँ, वो तो बहुत हाई वॉल्यूम से भी क्या कह सकते हो, तो और भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम हो गया, तो उस क्वांटिटी में क्या ज़्यादा हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। और बारीक अगर हमने ड्रॉप डाली है, बहुत बारीक स्प्रे यूज़ किया है, तो वहाँ कम क्वांटिटी में, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ एक चीज़ है, नोजल ऑन द फील्ड स्प्रे। अब एक चीज़ ये भी क्लियर है, जब जैसे ही हम ये होता है स्प्रे होता है, इसके सामने क्या होता है, नोजल होता है। हमें पता है कि जो बोलते हैं नेप स्प्रेयर होता है, जो बैक बैक पे हम लेते हैं उसको, एक होता है हाथ में भी होता है, हाथ से हैंड स्प्रेयर होता है, एक जो होता है पैडल जो स्प्रेयर कहते हैं, पैर से हम उसको दबाते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो नोजल होता है हाथ में, हमारे हाथ में रखा हुआ था, उससे हम स्प्रे करते हैं, तो कितने एंगल पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो स्प्रेयर यूज किया जाता है वो कितने एंगल पे रखना चाहिए। मान लीजिए हमने डायरेक्टली रखा तो लीव पे वो डायरेक्टली क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, इफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो फ्लावर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो फ्लावर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो फ्लावर्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। हमने स्पीड से प्रेस, क्योंकि स्पीड तो होता है उसका, प्रेशर तो होता ही होता है, हमने जैसे ही उस पर डायरेक्टली रखा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, और डायरेक्टली अगर हम 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो वहाँ चांसेस क्या हो जाते हैं, फ्लावर्स, ऑब्वियसली फ्लावर्स होते हैं तो उसके झड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें किस एंगल पे रखना चाहिए, मैं, मेरे पास में यहाँ पे क्या है, इसमें नोजल है, तो स्प्रे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, इसका मतलब किस एंगल पे मुझे एवरेज रखना चाहिए, 90 से तो कम में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो बनने वाला जो एंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोजल अगर हम बात करें, 60 to 90 degree क्या बनना चाहिए, एंगल यहाँ पे बनना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो बिल्कुल बताइए, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। ये एंगल की बात होगी, नोजल ऑन फील्ड स्प्रेयर शुड बी एट द एंगल ऑफ, या रेंज कह सकते हैं 60 to 90 degree, उसमें एंगल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर उसके सामने वो है नोजल है, तो कितना हल्का उसको टेढ़ा रखे कि डायरेक्टली एक डिस्टेंस मेंटेन कर सके और उस पर डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े किसी भी प्लांट पे, तो क्या हो सकता है, उसमें से जो फ्लावर्स होते हैं वो गिरने के चांसेस कम होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हैंड, अब स्प्रेयर की बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स के स्प्रेयर हो गए, तो उसकी बात कर लेते हैं, वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट अगर स्प्रेयर की बात करें, कॉमन स्प्रेयर है, मोस्टली एक स्मॉल एरिया पे इसको यूज़ किया जाता है, आप लोग भी जानते हैं स्मॉल एरियाज पे हम इसको यूज़ करते हैं, ये तो बखूबी जानते होंगे, इसको तो यूज़ भी प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, होम गार्डनिंग वगैरह हो गया, या टेरिस गार्डनिंग हो वगैरह हो गया, उसमें कौन सा वाला, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि होम गार्डनिंग, टेरिस गार्डनिंग या स्मॉल एरिया पे अगर वो है ग्राउंड है या वेजिटेबल्स है, उस लेवल पे भी कौन सा वाला स्प्रेयर यूज़ किया जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमाकर ये पूछ लेगा, हैंड ऑटोमाइजर, हैंड ऑटोमाइजर वाला जो स्प्रेयर होता है वो किस ग्राउंड के लिए, कितने एरिया के लिए रिक्वायरमेंट है सफिशियंट, तो एक टर्म हो गया वहाँ होम गार्डनिंग के लिए प्रॉपर, ये इनफ होता है। बात कर लेते हैं, ये आप लोग जानते हो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। इमेज तो आप समझ ही गए होंगे बखूबी,
जो हमने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें क्या पंप तो देखिए सब में होता है, हर स्प्रेयर में क्या होता है पंप होता है, पंप से क्या होता है फ्लो होता है या स्प्रे करता है वो, या ड्रॉपलेट की साइज मेंटेन करता है नोजल के थ्रू। बात कर लेते हैं द पंप इज ऑपरेटेड टू बिल्ड प्रेशर इन टैंक ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये मैंने टर्म रखा हुआ है हर जगह पे 0.15 to 0.3 kg per cm². प्रेशर आप जानते ही हो, ये वो कौन सा वाला प्रेशर है, ये पंप के अंदर प्रेशर है। जैसे ही हमने पिस्टन में प्रेशर पढ़ा था ऐसे ही यहाँ पे भी पंप में प्रेशर होता है, और जितना पंप में प्रेशर होगा उसके हिसाब से स्प्रे की या कह सकते हैं ड्रॉपलेट की साइज का क्या होगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए स्प्रे जो प्रेशर कम है तो फिर वो होगा ज़्यादा स्प्रे नहीं कर सकते, या ड्रॉप की जो साइज़ होती है उसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो छोटा वाला हाथ वाला स्प्रेयर है तो इसकी ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा वो कम होगा, वैसे ही जैसे हम किसी ट्रैक्टर वगैरह से जो स्प्रे करते हैं उसका स्प्रेयर जो होता है या प्रेशर होता है ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है, या कह सकते हैं जो उसकी स्प्रे की लेंथ होती है वो ज़्यादा एरिया पर कवर करती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, अगर आपसे पूछा जाए क्या पावर या प्रेशर क्या होगा 0.15 to 0.3 kg per cm², अगर हम इसकी बात कर लेते हैं रेंज की, अगर हम बात करें इससे अगर हम करना चाहते हैं तो एवरेज, क्योंकि इस पे भी इस जगह इसकी साइज़ की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये भी लो वॉल्यूम टाइप का ही आता है, इसे बहुत बारीक भी हम स्प्रे करते हैं बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा क्वालिटी है तो लो वॉल्यूम में भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत बारीक होती हैं, सर्र सर करते हुए चलता है ये। हम बात कर लेते हैं एवरेज, अगर बात करते हैं तो 45 to 100 liter per hectare इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर हम हेक्टेयर में यूज़ करने लग गए तो ये तो अगर बात करें इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है, तो कितना वाटर या सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ तक मैक्सिमम पूछ सकता है, तो वो यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है 45 to 100 liter per hectare। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, चलिए बात करते हैं ये हैंड स्प्रेयर, आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा क्लियरली विजिबल है हैंड स्प्रेयर का यूजेज क्या होता है, कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ये देखिए हैंड स्प्रेयर मतलब यहाँ पे हाथ से इसको पुश किया जाता है, हाथ से इसको पुश किया जाता है, इस वाले पार्ट को आप देख रहे होंगे, ये बैक वाला स्प्रेयर नहीं जो हम बैक पे रखते हैं, ये हाथ वाला इससे रखा हुआ है टंकी पास में रखी हुई है, और ये ज़्यादातर आप भी कह सकते हैं मोस्टली इस वाले स्प्रेयर को कहाँ यूज़ किया जाता है, इस वाले स्प्रेयर को जो फ्रूट वाले प्लांट है, यहाँ प्लांट है मैंने इसको रखा, एक हाथ से स्प्रे किया एक हाथ से दबाया फिर मैं सेकंड पे चला जाऊँगा, लेकिन क्रॉप पे क्या होता है इससे बहुत कम हम क्या कर सकते हैं स्प्रे कर सकते हैं इस वाले से, क्योंकि इसको बार बार उठाना, इतनी बड़ी पाइप भी नहीं होती इसमें, या स्प्रे जो पावर होता है स्प्रे करने का वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि एक आदमी पाइप लंबी पाइप को लेकर घूमता रहे और दूसरा हाथ से दबाता रहे, तो ये भी आप इजीली अपने सेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि किस लेवल पे इसको यूजेस किया जाता है। आशीष कह रहा है मंजिल ने हौसले से कहा ये तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है, वाह यार दिल जीत लिया आशीष। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसे अच्छा लगता है बीच बीच में बिल्कुल। चलिए बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, अगर हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर हेक्टेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ कुछ अब हम इन्वॉल्व करने वाले हैं उस टंकी की या टैंक की कैपेसिटी क्या होती है। आशीष हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए कम नहीं है, एक तो फ्री में मिल रहा है पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिर्फ IBPS बैंक के लिए और ये कह सकते हैं प्री PG वालों के लिए ही ये अवेलेबल है, तो वो लोग बाद में भी देख लेते हैं, सबका अपना अपना फंडा होता है इसीलिए कम है, कंपेरिजन करें यहाँ पे सुपरवाइजर की या जेट वालों की अगर कंपेरिजन करें तो इसीलिए कम है, और अभी पता भी तो नहीं है ना, ये वाला जो बैच हमने अभी भी स्टार्ट किया है तो लोगों को पता भी नहीं है कि IBPS की फ्री क्लास चल रही है, बाकी कहीं पर भी आपको नेट पर किसी ने डाल दिया छोटे छोटे जो ये कह सकते हैं सिलेबस को कवर करके कहीं कहीं से पार्ट को जिसको जो याद है वो डाल दिया होगा, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। राव कृष्ण बोल रहा है मैं भी आ गया चलो ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, हाय कृष्ण हाय हाय, चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, अब समझ रहे होगे क्यों यहाँ पे कम है स्टूडेंट,
क्योंकि फ्री में अभी स्टार्ट किया है, हम बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाले हैं, इसके बाद में इसको आप एफबे भी आपको मिलेगा, लेकिन फ्री में कोई देता नहीं है तो किसको पता है। आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, फ्री में कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट्स या डीपली जिसको करवाया जा सके ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मॉल स्मॉल में आपको मिल जाएगा। कुछ पार्ट को आप देख सकते हो, जिसको जो याद है वो वहाँ पर डाल सकता है, दैट्स इट। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टैंक की बात करें, टैंक कितना कैपेसिटी का टैंक होता है, तो 10 से 12 लीटर। द टैंक टू बिल्ट प्रेशर, कितना प्रेशर की जो बात की अपने अभी अभी बात की, प्रेशर कितना मेंटेन करता है या कितना बिल्ट करता है, वो क्या है, दो से साढ़े तीन किलोग्राम पर। तो इसका मतलब ये सोच रहे पिछले वाले से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बना रहा है, ये ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, तो स्प्रेयर बीस पे स्प्रेस भी ज़्यादा एरिया में किया जा सकता है। एक जगह खड़ा होकर हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये किसके लिए फिर ये हो गया, ये फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं जो हाइट पे होते हैं उसमें को भी हम कवर कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन रेट रेंज की, बात करें 45 से 100 लीटर इससे पर हेक्टेयर में यूज़ किया जा सकता है। अब ये आप कह सकते हैं कौन सा वाला स्प्रेयर है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर लो वॉल्यूम है या अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, या ये कह सकते हैं हाई वॉल्यूम है, आंसर देखिए बताइए कौन सा वाला ये स्प्रेयर है। नेक्स्ट चलें, यहाँ बात कर लेते हैं नैपसैक स्प्रेयर की। नैपसैक स्प्रेयर को बैक स्प्रेयर भी कहते हैं, ये कि वही वाला स्प्रेयर है जो हम पीठ पे रखे, या कह सकता है ये कहा जा सकता है कि जो लेबर होती है या फार्मर होता है वो पीठ पे रख के इसको यूज़ करता है। बिल्कुल ज्योति कह रही है कम स्टूडेंट है तो सही है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल ज्योति सही है, सही है। आप ये बात भी सही कह रहे हो, नहीं तो बीच बीच में ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ता है, उधर टाइम वेस्ट करना पड़ता है, ये बात भी सही है। चलिए तो आप कोई बात नहीं ना, कम है तो कुछ स्टूडेंट तो आप जोड़ ही सकते हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि ये हमारे लिए वैल्यूएबल है तो इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वही अपने आप जोड़ने लग जाएंगे और हमें भी फिर मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल कम है, अगर बात की जाए जायज है, क्योंकि इसके पहले पीछे बहुत सी मेहनत लगती है, पहले एफर्ट करना पड़ता है 6-7 घंटे तक, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो आज तक हमने पढ़ाया उसमें कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं बैंकिंग सेक्टर के देखा जाता है कि उससे क्या पूछ सकता है, या ये कह सकते हैं प्री पीजी में अभी 5-6 साल में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो मेहनत की बात की जाए तो बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नैपसैक स्प्रेयर की, बात कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करते हैं। इट कैरी द स्प्रेयर ऑन हिज और हर बैक, ये तो पता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात की जाए नैपसैक स्प्रेयर, इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बैक पेन पे रखते हैं, इसलिए आपको याद रहे, इसलिए मैंने यह नोट डाउन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी वो होती है 10 से 15 किलोग्राम, इसकी कैपेसिटी आप लोगों को पता ही है अराउंड कितनी होती है, 10 से 15 किलोग्राम। द प्रेशर इन पंप के प्रेशर की बात करें 3 से 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन रेट की बात करें तो ये 500 लीटर पर हेक्टेयर की बात करें, ये क्लियर हो गया होगा इससे, 500 लीटर पर हेक्टेयर राउंड हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है इससे। आप समझ रहे हो पहले वाले से क्यों नहीं थी इतनी, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न था, वो हैंड वाला स्प्रेयर था, वो फ्रूट वाले प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, तो फ्रूट के प्लांट कितने एरिया में होते हैं आप भी समझ सकते हो, अराउंड ये कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में फ्रूट वाले प्लांट कितने होंगे, 600-700, कुछ अगर प्लांट है तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन 1000 है तो वो भी एक एवरेज कम एरिया को कवर करते हैं, यहाँ पे कम सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ये किस में मोस्टली किया जाता है, क्रॉप में किया जाता है, कितने कवर करता है, एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1.5 हेक्टेयर कवर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हो। पॉइंट जो नोट डाउन करना है 10 लीटर, ये इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, 3 to 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस कैटेगरी में आता है, अल्ट्रा वॉल्यूम में आता है, अभी तक आंसर नहीं आया उसका, लो वॉल्यूम बिल्कुल अश्विनी कह रही है लो वॉल्यूम में, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, रॉकर स्प्रेयर किसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पहले वाला डिस्कस किया था
सेकंड वाला जो डिस्कस किया था हमने कि उसको भी उठाकर एक जगह जगह पे रखा जाता है, इसलिए वो जब मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है, फ्रूट वाले प्लांट में। यहाँ अपना कॉमन सेंस भी यूज होता है कि बिल्कुल इस टाइप के स्प्रेयर होते हैं उनको उठाकर एक एक जगह पे, या ये कह सकते हैं जहाँ प्लांट है उस जगह पे उसको रखा जा सकता है। तो इसीलिए इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज़ इन फ्रूट क्रॉप्स, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में इतना कम, तो इसमें छोटी सी तो टंकी होती है, फिर उसको उठा उठा के जगह जगह पे, या ये कह सकते हैं कि क्रॉप में करना है तो फिर हाथ में पकड़ के तो कर भी नहीं सकते। तो किस टाइप से इसको यूज़ किया जाता है उसकी क्वांटिटी या एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, द पंप बिल्ट ऑफ प्रेशर अराउंड 14 to 18 किलोग्राम। इसका अगर प्रेशर की बात करें तो कितना हो रहा है, 14 से 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आउटपुट ऑफ द स्प्रेयर की बात करें तो 70 से 90 लीटर पर हेक्टेयर। इससे अगर हम बात करते हैं कवर कितने कर लेता है, 1.5 हेक्टेयर पर डे कवर कर लेता है। वहाँ पे पहले वाला अगर कितना कर रहा था, 1.5 हेक्टेयर ही कवर कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा ये कितना कवर कर रहा है, 1.5। लेकिन वाटर कितना है ये, इससे क्या की जाती है, ट्रीट की जाती है, क्रॉप ट्रीट की जाती है, क्रॉप वाले पार्ट को, क्योंकि इसको पीठ पे रख के आराम से हम घूम सकते हैं। हुक की तरह दिख रहा है, कौन सा वाला दिख रहा है, हुक की तरह। चलिए, तो यह चीज़ समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाला एक पर्टिकुलर प्लांट्स को कवर करेगा, इसलिए ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकता है। एज सेम में जो पीट वाला रखता है उसको क्रॉप पे किया जाता है, वो कंप्लीट एरिया को कवर करता है, यहाँ प्लांट के बीच में जो स्पेस होता है उसको कवर नहीं। देखिए ये क्या है, टंकी, मैं इससे बचा देता हूँ, ज्योति बता रही कि तो हुक की तरह दिख रहा है, हुक की तरह नहीं है, ये वाला पार्ट टंकी है, यहाँ ये नोजल है और इसको पास में रखा गया है, अदरवाइज इसको सेपरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट को यहाँ पे पैर रखा जाता है, यहाँ पैर रख दिया जाता है, और एक इसका जो पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, टंकी में डाल दिया जाता है, जिससे वो वहाँ से वाटर सक करे। ये वाला इसका पंप वाला पार्ट, इसमें भी सॉल्यूशन रहता है। अब हम बात करते हैं इसको हाथ से प्रेशर किया जाता है, आगे पीछे आगे पीछे, हाथ से इसको क्या किया जाता है, प्रेशर किया जाता है। सर मैं ICR की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ICR की, अब आशीष बोल रहा है कि मैं ICR की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आशीष, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वाला जो अगर पार्ट की बात करें तो ICR के लिए नहीं है, वहाँ से पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, या ये कह सकते हैं कल्टीवेट कितने टाइप के होते हैं, या ये कह सकते हैं टिलेज में इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जाए, या ये जो स्प्रेयर हो सकते हैं 12th लेवल पे यही होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। ICR में एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो आप। हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये कौन सा आ गया, ये कौन सा है, फूट और पेडल ऑपरेटेड स्प्रेयर है। इसको क्या कहा जाता है, फूड और पेडल ऑपरेटेड स्प्रेयर है। फूट और पेडल ऑपरेटेड स्प्रेयर की अगर बात की जाए तो प्रेशर कितना होता है, आप भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, पैर से इसको दबाया जाता है, तो हम प्रेशर भी ज़्यादा या ज़्यादा प्रेशर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और तो जितना ज़्यादा हम पैर से दबा सकते हैं, प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, उतना ही अंदर प्रेशर भी मेंटेन होता है। हुकी, इसका मतलब आपने हुक्का देखा है या पिया है, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ ज़्यादा स्प्रेयर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर मेंटेन कर सकते हो 17 से 21, और कि कितने कवर कर सकता है 1 हेक्टेयर को 1 डेज में। यहाँ से पैर से दबाया जाता है, यही वही नोजल वाला पार्ट हो गया, एक को वाटर में डिप कर दिया जाता है, वाटर टैंक में डिप कर दिया जाता है, एक पार्ट को क्या कर दिया जाता है, वाटर टैंक में डिप कर दिया जाता है, और ये पैर से दबाया जाता है, इससे प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर वही वाला स्प्रेयर है, सब में वही मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो पावर यूज़ की जा रही है वो किसकी पावर यूज़ की जा रही है, यहाँ इंजन है, इस इंजन की पावर यूज़ की जा रही है, वो पंप है यहाँ पे, और पावर किसकी यूज़ की जा रही है, अगर मोस्ट ऑफ द कहूँ तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पावर स्प्रेयर में कितने HP ये कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, कितने HP का यूज़ किया जाता है पावर स्प्रेयर में। यहाँ स्प्रेयर क्लियर मेंशन किया हुआ है, पावर स्प्रेयर में कितने HP पावर यूज़ की जाती है, दैट्स इट, IBPS 2018 का क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे भी, ये क्या है, एक छोटा इंजन है, जिससे ये कह सकते हैं यहाँ पे मोटर भी हो सकती है, यहाँ पे इंजन भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है, यही सेम पार्ट। ये क्या हो गया, पंप हो गया, पंप सेट ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम वायर ए वो पाइप लगाकर एक उसमें टंकी में यूज़ कर सकते हैं, एक पाइप को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे करने के लिए हम नोजल लगाकर यूज करते हैं, दैट्स इट, ये समझ में आया। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की, अगर हम बात करें यहाँ पे इट ऑपरेटेड 3 HP इंजन और पावर, अगर हम मोटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिक पावर अगर यूज कर रहे हैं तो भी कितने एचपी वाली होनी चाहिए, 3 HP वाली होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं इंजन यूज कर रहे हैं तो भी 3 HP का होना चाहिए। प्रेशर की बात करें यहाँ पे बहुत, ये कह सकते हैं कि बहुत बारीक इससे ड्रॉपलेट्स यूज की जाती हैं या हाई प्रेशर इससे मेंटेन किया जा सकता है। तो 250 से 350 पाउंड की बात की जा रही है, 250 से 350 पाउंड इससे मेंटेन, ये थोड़ा सा एकदम चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पाउंड्स की बात की जा रही है क्योंकि आप पावर भी कितना यूज़ किया जा रहा है 3 HP का, तो आप समझ सकते हो बिल्कुल यहाँ पे चेंज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं लास्ट, और आज का जो हम करें लास्ट की हम बात कर लेते हैं डस्टर, ये भी समझते हो कौन कौन से डस्टर होते हैं और डस्टर का यूज़ क्या होता है। डस्ट से बना डस्टर, जिस केमिकल को, कोई भी जो भी केमिकल है, चाहे वीडिसाइड हो या ये कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उस केमिकल को हम डस्ट फॉर्मेट में यूज़ करें ट्रीट करने के लिए प्लांट को, किसको ट्रीट करने के लिए, प्लांट को या क्रॉप को ट्रीट करने के लिए डस्ट फॉर्मेट में उसको यूज़ करना चाहिए। और हिंदी वालों के लिए बता दूँ, और डस्ट का हिंदी में मुझे भी नहीं पता डस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ डस्ट कितने टाइप के होते हैं, यूज टू अप्लाई केमिकल इन डस्ट फॉर्मेट में, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। केमिकल फॉर्मेट में डस्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं क्योंकि ये कवर करता है लार्ज एरिया के लिए या एक स्मॉल एरिया के लिए कौन कौन से डस्ट यूज़ किए। अभी आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और सम पार्ट ऑफ MP की बात करें, टिड्डी आई थी लास्ट ईयर 2020 में, देखा होगा 21st और ये कह सकते हैं 19 लास्ट में टिड्डी का प्रकोप देखा था। उस टाइम हेलीकॉप्टर भी यूज़ किए जा रहे थे, किसके लिए, टिड्डी को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे कौन से वाले स्प्रेयर यूज़ किए थे, ये हो सकता है PPG में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से वाले स्प्रेयर वहाँ पे या डस्टर काम में लिए जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो चलिए उस बेसिस पे भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ अगर बात करें सबसे पहले टाइप ऑफ डस्टर की बात करें, फर्स्ट एरियल डस्टर, एरियल का मतलब हवा में ही डस्ट किया जाता है, तो ये समझ लो कि हवा में किया जाता है, तो किससे करवाया जाएगा, हवा में ड्रोन वगैरह या फिर फ्लाइट या एयरक्राफ्ट की वजह की हेल्प से यहाँ पे हवा में डस्ट करवा दिया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं वेरी लार्ज क्रॉप एरिया को कवर किया जा सकता है, या जो अभी भी टिड्डी की जो हम बात कर रहे थे, उस कंडीशन में भी एरियल डस्टर का ही यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज़ की जाती है इसको डस्ट करने के लिए, इसको किसी भी एरिया को ट्रीट करने के लिए, गॉट इट। यहाँ बात करते हैं सेकेंड की, पावर ऑपरेटेड यूज एट लार्ज एरिया, पावर, ये एक बहुत बड़े एरिया पे हो गया, जिसको आप कह सकते हैं बहुत बड़े एरिया पे अगर क्रॉप है, मान लीजिए आधे राजस्थान में कम से कम क्रॉप है, तो फिर एरियल जो एरियल डस्टर यूज़ किया जाता है, ये कह सकते हैं कि फॉरेन में जहाँ पे पर होल्डिंग जो लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, वो लोग भी एयर डस्टर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक फार्मर के पास ही बहुत बड़े ही एरिया में लैंड होती है। यहाँ बात करते हैं नैपसेकर एज इट इज़, जो हमने पहले पढ़ा था वही वाला यहाँ पे है, स्मॉल एरिया को कवर करता है क्योंकि ये पीठ पे रखा जाता है, तो हमें पता है कितनी क्वांटिटी में कर सकता है। यहीं पे बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। फोर्थ होता है प्लंगर टाइप होता है, एट स्मॉल एरिया लाइक वेजिटेबल और गार्डन के लिए, जो छोटे छोटे जो गार्डन होते हैं अपने, वेजिटेबल गार्डन होते हैं, होम गार्डन होते हैं, वहाँ पे कौन से वाले डस्टर यूज़ किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये देख, प्लंगर टाइप स्प्रेयर या गार्डन या होम गार्डन के लिए कौन सा वाला डस्टर यूज़ किया जाता है, ऐसे सेम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन सा वाला स्प्रेयर गार्डन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, होम गार्डनिंग के लिए। यहाँ बात करते हैं रोटरी डस्टर, आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल देखा है, इसको हैंड रोटरी इसको कहा जाता है, सेकेंड नेम हैंड रोटरी, वो भी वैसे रोटरी टाइप का होता है, उससे भी डस्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं, ये आप लोगों का हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेशन पे, क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बना हुआ है, ये पिछले जो हमने 10 लेक्चर लिए उसमें से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक IBPS का चल रहा है, कुछ एक अब कल से अच्छा मैं एक ये कहना चाहूँगा कि हमने फर्स्ट 2 लेक्चर सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन पे रखे थे, जो आप लोगों को शायद नेट पे नहीं मिलेंगे, तो इसी कोचिंग ASP कोचिंग की जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पे जाके आप दोनों लेक्चर देख सकते हैं। उसमें से 5 क्वेश्चन थे लास्ट, ये बात करें 2020 में PPG में, 4 से 5 क्वेश्चन है PPG की, मैं बात कर रहा हूँ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। और यहाँ पे भी हम बात करें
दो क्वेश्चन पिछले उसमें पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन है 18 में है और 17 में भी एक या दो क्वेश्चन है, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट है, और प्री पीजी का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का उसमें फर्स्ट टॉपिक है ही सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो उसमें दो लेक्चर हमने करवा दिए हैं, बाकी लेक्चर्स आपके और होंगे जिसमें वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे फॉरेस्ट लेवल या फिर एग्रीकल्चर लेवल पे, तो उसकी भी बात करेंगे, उसका वीडियोस मिल जाएगा आपको। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन सेशन की बात पे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, जल्दी बताइए कमेंट करके, जो चीज़ हमने डिस्कस किया समझ में आया नहीं, सबके कमेंट आने चाहिए, जिसको नहीं समझ में आया बोल दिए नहीं समझ में आया, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। फिर देख तो लेते हैं हमने जो पढ़ाया है उसमें कुछ है या नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज के, क्वेश्चन आंसर सेशन की, जो किस किस के लिए फ्रेम किया जा रहा है या किस किस में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, लेट्स क्रेक, नाबार्ड, IBPS, प्री पीजी, AO, WO, ये कह सकते हैं इस लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ टिलेज नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता जिसको डिस्टर्ब, या ये कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो बिना डिस्टर्ब हो सके, या ये कह सकते हैं जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया हो, ऐसी कौन सी टिलेज है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्ट को कवर कर लेते हैं, ऐसा कौन सा टिलेज है जिसमें कंप्लीट पार्ट कवर हो जाता है, कोई प्लांट भी नहीं छूटता, ग्रासेस वगैरह कुछ भी नहीं छूटती। आंसर जल्दी कीजिए, इन विच फॉर्म ऑफ टिलेज, टिलेज की कौन सी फॉर्म है, नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कौन, कोई भी प्लांट या ये सिंगल पार्ट भी नहीं कह सकते जो डिस्टर्ब नहीं हुआ हो, ऐसी वाली कौन सी टिलेज है, जल्दी आंसर करके 2000 IBPS SO 2018। हम बात कर लेते हैं सेकंड की जब तक आपके आंसर आते हैं, जल्दी आंसर करके बताइए, पावर स्प्रेयर नीड HP, ये 2018 का क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया है, पावर जो स्प्रेयर होता है इसमें कितने HP की रिक्वायरमेंट होती है, कितने HP पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी आंसरिंग कीजिए जल्दी। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, फॉर कल्टीवेटिंग लैंड ऑफ अराउंड 40 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर लैंड को कवर कल्टीवेट करना है, 40 हेक्टेयर को कवर करना है हमारे पास में, या किसी फार्मर के पास में 40 हेक्टेयर है और वो एक साल में एक ही क्रॉप लेता है, ये कह सकते हैं मोनोक्रॉपिंग जिसको हम कह सकते हैं, क्रॉप लेता है, विच ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, या ये कह सकते हैं इसके लिए कितना HP का ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए 40 हेक्टेयर लैंड है उसके लिए 40 हेक्टेयर है और सिंगल क्रॉप लेता है, दो टाइप की बात की जाती है यहाँ पे, मैं फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बताऊँगा यहाँ पे किस बेसिस पे रिक्वायरमेंट रखते हैं, हमने हेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर को पढ़ा था, हेक्टर के अगर कितने हेक्टर के लिए किस कितने HP की रिक्वायरमेंट होती है, नो डाउट उसमें एक या दो ही हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि मैंने बोला एवरेज यहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एवरेज चीज़ें रखते हैं, कौन सा वाला या इसका ये 40 हेक्टेयर की जो आपको 80 हेक्टेयर दे दिया जाए तो भी आप आंसर दे सकते हैं, उसका डबल कर सकते हैं। अब आप बात की जाए तो इसका आंसर दीजिए जल्दी करके बताइए, अश्विनी बोल रहे 3 HP पावर, आशीष बोल रहा है 3 HP पावर, बिल्कुल इसका तो हो गया, ये पावर स्प्रेयर की तो बात की जाए इसका तो क्या हो गया 3 HP, चाहे इसमें मोटर यूज किया जाए इलेक्ट्रिकल ये या कह सकते हैं। ज्योति बोल रही है 25 HP, बिल्कुल ज्योति राइट आंसर दे रही है 25 HP, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 25 HP वाले ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए 40 हेक्टेयर लैंड के लिए, एक किसी फार्मर के पास में कितना है 40 हेक्टेयर लैंड है, मोनोक्रॉपिंग या ये कह सकते हैं सिंगल क्रॉप लेता है, उसके लिए 40 हेक्टेयर के लिए कितने HP ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने HP पावर वाले, पावर जनरेट करने वाले ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ यहाँ पे देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, पहली चीज़ अगर मोनोक्रॉपिंग होती है या ये कह सकते हैं मोनो यानी सिंगल अगर क्रॉपिंग की जा रही है तो उसमें क्या किया जाता है, एक HP 2 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट रहता है या इनफ रहता है, कितने के लिए, फिर से हम बोल रहे हैं कितने के लिए, एक एचपी इक्वल टू रहता है कितने के लिए, 2 हेक्टेयर के लिए, ये चीज़ समझ में आई 2 हेक्टेयर के लिए, इसको मैं फिर से अगर इस तरह कन्वर्ट करवा देता हूँ, सॉरी यही होगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा,
टू हेक्टेयर के लिए कितना हो गया, 1 HP 2 हेक्टेयर के लिए, किस कंडीशन में, मोनो या सिंगल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे दो क्रॉप की बात करें या मल्टीपल क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये तो हो गया फर्स्ट। यहाँ पे जस्ट अगर मैं सेकंड की बात करना चाहें या ये कह सकते हैं मोर क्रॉप की बात करते हैं, मोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज की देखिए, वन यहाँ एच पी है, सॉरी 1 HP के 2 हेक्टेयर के लिए, यहाँ पे क्या बात कर दी जाएगी, 1 HP कम हो जाएगा, 1 HP ये किसके लिए इनफ होगा, इससे थोड़ा कम होगा तो 1.5 हेक्टेयर। ये चीज़ समझ में आई, 1 HP 1.5 हेक्टेयर, ये चीज़ याद आपको याद रखना है, दैट्स इट। सब क्या किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी हेक्टेयर दे, कैसे भी घुमा के दे, आप आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं। 1 HP किसके लिए, 1.5 हेक्टेयर के लिए, अगर एक से ज़्यादा क्रॉप है, या ये कह सकते हैं 2 क्रॉप्स ली जाती है एक ईयर में। यहाँ पे अगर सिंगल क्रॉप ली जाती है तो 1 HP 2 हेक्टेयर के लिए, मतलब 1 HP 2 हेक्टेयर के लिए इनफ है, 1 HP 1.5 हेक्टेयर के लिए इनफ है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने का, 40 HP का, यहाँ इसका आधा HP रिक्वायरमेंट है, जितना हेक्टेयर उसका आधा कर दीजिए उसके, या आधा से थोड़ा ज़्यादा हम रखते हैं क्योंकि एडिशनल हमें रखना पड़ता है। यहाँ इसका हाफ कितना होगा, मान लीजिए ये है 40, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पे 20-25 हम रखते हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी जाती है हमेशा, तो थोड़ा सा एडिशनल आप रख के चल सकते हैं। हम यहीं पर बात करते हैं, अगर आपसे मोनोक्रॉपिंग कर दी जाती, आप आंसर देके बताइए, मोनोक्रॉपिंग की जगह आपको मल्टी क्रॉपिंग की बात की जाती और क्या, कौन सा कितना HP होता फिर यहाँ पे 40 हेक्टेयर के लिए, कितना HP होता, जल्दी आंसर करके बताइए। 40 हेक्टेयर के लिए जिसमें 2 क्रॉप्स ले रहे हैं हम एक साल में, तो कितना HP की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी आंसर करके बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर उसकी बात करते हैं। यहाँ अगर बात करें टिलेज की, तो यहाँ पे कौन से वाली टिलेज होगी, क्लीन टिलेज, क्लीन टिलेज यूज की जाएगी। फर्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ टिलेज नो प्लांट, क्लीन का मतलब कंप्लीट पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, या तो उठाकर सेपरेट डाल रहे हैं उसको, या ये कह सकते हैं कंप्लीटली उसको मिक्स करते हैं, उसको हम क्लीन टिलेज कहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते वहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हेक्टेयर वाला समझ में तो आया ना आप लोगों, मैसेज नहीं आ रहे हैं अभी, समझ में आया ना आप लोगों को, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, ये बता सकते हो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की कैपेसिटी क्या होती है, मैंने पहले भी डिस्कस, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, IBPS 2018, ये क्वेश्चन है IBPS 2018, कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की बात की जा रही है, 2018 का क्वेश्चन है, तो कितनी कैपेसिटी में है आंसर करके बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। IBPS 2018 की बात करें, हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसमें से 5 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, 2020 की हमने बात की, तो हमने कल या जो बात करें फ्राइडे को 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमने पढ़ाया, उसमें से कितने क्वेश्चन आए 18 में, 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ बात करें, एक क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, द हाई विंड इरोजन अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें विंड इरोजन की वजह से, या विंड की वजह से अफेक्टेड है, या विंड इरोजन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, ऐसा कौन सा स्टेट है। अश्विनी बोल रही है 26.5 to 35, बिल्कुल राइट अश्विनी, राइट आंसर है आपका। ज्योति बोल रही है मोर देन 400 लीटर, बिल्कुल मोर देन 400 लीटर, अश्विनी बोल रही है मोर देन 400 लीटर, हाँ हमने इसको फर्स्ट वाला स्पेयर है, मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर ये कह सकते हैं। इसका आंसर जल्दी करके बताइए आंसर, ये देखिए प्री पीजी में, मैं एक फिर से बोल रहा हूँ, प्री पीजी में 5 क्वेश्चन हैं, 4 या 5 क्वेश्चन हैं, कौन से वाले पार्ट से, सोइल इरोजन वाले पार्ट से, सोइल इरोजन वाले पार्ट से, जो 2 लेक्चर हमने कवर किए हैं उस वाले पार्ट से, 4 हैं या 5 ऐसा कुछ मुझे क्लियर नहीं है, 4 to 5 questions वहाँ पे हैं, प्री पीजी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान, अश्विनी बोल रही है राजस्थान, बिल्कुल सबसे ज़्यादा रेतीली सोइल कहाँ पे है, राजस्थान में, तो इसका आंसर भी क्या होगा, राजस्थान, समझ में आया, अच्छा लगा, चलिए अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक बहुत कम लाइक्स मिले हैं, या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दीजिए, फिर हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। राजस्थान, राजस्थान जाट बोल रहे हैं, राजस्थान सरोज, राजस्थान राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, चलिए लास्ट स्लाइड और ले लीजिए, इसके आंसर्स को आप वो कर लीजिए,
मैं आंसर इसके प्रोवाइड करवा देता हूँ एक बार। आंसर साहब आपके सबके क्लीन टिलेज 3 HP 25 HP का ट्रैक्टर हमें रिक्वायरमेंट होता है मोनोक्रॉपिंग के लिए। मैं इसको फिर से नोट डाउन करवा देता हूँ। ये किसके लिए है? 40 हेक्टेयर, इसमें मोनोक्रॉपिंग, मोनो या सिंगल क्रॉपिंग, मोर देन 400 और राजस्थान इसका आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। बाकी लाइक्स बहुत कम, अभी एक ही ने किया है किसी ने। चलिए कोई बात नहीं, आपको सेशन अच्छा नहीं लगा होगा, कल बात करते हैं, ठीक है।